ये आप देख सकते हो जो मरे हुए लोग होते हैं, ये फूल यहाँ पे जलते हैं। देखो गाइस, लकड़ियाँ यहाँ पे, लाश या कोई जला था यहाँ पे। शिट, नदी के अंदर से जैसे बबल्स की आवाज आ रही है उस तरफ से। को एक स्पिरिट को बुलाना है, मरी हुई आत्मा हो जो भी यहाँ पे हो, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो। बहुत अजीब हो रहा है। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब दोस्तों? मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आज रात हम, मैं अकेला पूरी रात शमशान घाट में सरवाइव करने की कोशिश करूं। हम सब जिम में तो वर्कआउट करते ही हैं, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना रात को भूतों के बीच शमशान घाट में ही वर्कआउट कर लूँ। सुनने में तो काफ़ी फनी सा लग रहा होगा ना कि यार शमशान घाट में कोई भी चला जाता है, भाई अकेला आदमी रात के 12 बजे शमशान घाट में बैठ रखा है। सोचो क्या क्या पॉसिबल है। मैं चलते चलते आपको साथ में एक स्टोरी भी बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा भयानक शमशान घाट की। चलो चलते चलते ही बताऊँगा। गाइस, बाहर निकलने से पहले हम देख लेते हैं सर्वाइवल के लिए मैं क्या क्या सामान यूज़ करूँगा। सबसे पहले पानी की बोतल, प्यास लगेगी मेरे को तो पानी चाहिए। अब आप ये देख रहे होगे, ट्रॉफ़ी किस चीज़ के लिए है? ट्रॉफ़ी ये एक्चुअली मैंने जीती थी उत्तराखंड नाम रेसलिंग जो ओवरऑल चैंपियनशिप में मैं चैंपियन ऑफ चैंपियन बना था, उसकी ट्रॉफ़ी। ये किस काम आएगी ट्रॉफ़ी हमारे? चाकू तो ले जा नहीं सकता मैं, तो अगर कोई भी अनहोनी होती है तो सीधा चाहिए होगी, नुकीली एजेस है ना, अंदर जाएंगे डायरेक्ट। तीसरी चीज़, रात को हमें भूख तो लगेगी गाइस, पूरी रात तो पीनट्स लिया मैंने, थोड़े से वेजिटेरियन है, वीगन हूँ तो पीनट्स खाता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें बिल्कुल वहाँ पे हमें प्रोटेक्ट रखेगी बैड एनर्जी से, जो हमें बचाएगी, वो है हनुमान चालीसा। गाइस मेरे को याद है, मेरे को मोमबत्ती भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम स्पिरिट्स को भी बुलाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बहुत ही ज़्यादा भयंकर कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। गाइस, हम शमशान घाट ऑलमोस्ट पहुंच गए और गाइस खून आ गया। स्टार्ट होते साथ ही गाइस अनहोनी हो गई। मेरा हथियार जो मैं को सेफ रखना चाह रहा था, उसी से मेरे देखो चोट लग गई है। अभी अंदर गड़ और खून आ गया। तो गाइस ये सब होते रहता है। वी आर फोर्स्ड टू बी, गाइस याद रखो शमशान घाट वो है, कुछ भी हो सकता है वहाँ, कोई भी आत्मा एग्जिस्ट कर सकती है, हमें बस सर्वाइव करना है वहाँ पे। बहुत भयंकर एक रियल भूत की स्टोरी सुनाने वाला। गाइस खून आते जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। इस खून का तिलक लगा लेता हूँ, जय श्री राम गाइस। और हम फोर्स्टी में याद रखना, इसलिए पुशअप्स तो बनती है गाइस, फिटनेस है, उत्तराखंड COC हूँ, पुशअप्स तो बनती है। पुशअप्स हमें एनर्जी देगी भूत से लड़ने के लिए। लेट गो। गाइस पहुँच गया ऑलमोस्ट शमशान, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा है। ये एकदम सुनसान इलाका है और यहाँ पे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मेरे पे किसी ने अटैक करा, क्योंकि ये थोड़ा स्लम वाला इलाका है, तो यहाँ पे चोरी वगैरह का भी खतरा है, तो दिक्कत हो सकती है। ये कंडाली गाइस देख सकते हैं, ये है, इसे बच के जाना, अगर मैं टकराऊंगा तो हो जाएगा मेरे पैर का काम। गाइस हम पहुँच रहे हैं शमशान के पास, यहाँ पे जानवर वगैरह भी आते हैं पूरी रात को, देख सकते हैं नदी। यहाँ पे क्या होता है, लोगों की लाश जो डेड बॉडीज़ होती है जब जला देते हैं, तो यही पे इसी इलाके में बहाते हैं। कि मैं काफ़ी आगे जा रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि अलग सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर पूरी नदी होती है, बट अभी नदी नहीं है क्योंकि पानी कम हो रखा है। और आप देख सकते हैं मैं नदी के पास जा रहा हूँ, जहाँ पे अस्थियों को बहाते हैं। चलो चलते हैं वहाँ। आप देख सकते हैं मैं लैंड से कितना ज़्यादा दूर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अजीब सा भी फील हो रहा है। और बाई चांस अगर उन्होंने डैम खोल दी थोड़ी सी और, वाह ये क्या है गाइस, पैर में लग गया ये। शिट, ये कांटे ऐसे बहुत ज़्यादा नुकीले बाहर आ रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं मैं उस समय पहुँच गया हूँ। अब अपना हम सेटअप करेंगे यहाँ पे, मेरे को आज सर्वाइव करना है।
मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है। साथ में मैं अपने दोस्त की कहानी बताता हूँ। मेरा दोस्त है एक ऋतिक, उसके साथ क्या हुआ था, वो पहाड़ों की तरफ एक जगह गया था। बोलते हैं कि शमशान में रात को नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कुछ चढ़ सकता है। मेरा दोस्त है ऋतिक, उस पर चढ़ा था। सच्ची की बात है, ये 2 महीने तक वो लिटरली मेंटल रहा, खाना खूना कुछ नहीं, घर में कभी भी कपड़े उतार देता था। हंसी आ रही है, बढ़िया सच्चाई है, और आप देख सकते हैं। और उसको उसकी मतलब वो हर वक्त अजीब अजीब से आवाज़ें निकालता था। 2 महीने उसके पेरेंट्स एकदम उससे तंग हो गए थे, लेकिन एंडिंग में एक तांत्रिक आया, तांत्रिक ने उस पर जादू टोना करा और फिर वो सही हुआ। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज होती है गाइस। अभी मैं शमशान घाट पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे अस्थियाँ भाते हैं, रात के इतनी लेट है। ये आप देख सकते हो, जो मरे हुए लोग होते हैं ये फूल यहाँ पे जलते हैं। देखो गाइस, लकड़ियाँ यहाँ पे, लाश या कोई जला था यहाँ पे। शिट गाइस, ओह माय गॉड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई जला था, ये पूरी फूल वगैरह। यहाँ पे रात को आना 2 खतरे हैं, एक तो भूत का तो है ही, साथ में चोर वगैरह। अगर यहाँ पे 3-4 लोगों का ग्रुप आ गया, मैं क्या करूँगा, हल्ला मचाऊंगा, सब लूट के चले जाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं अस्थियाँ, चप्पल उन लोगों की, नारियल। गाइस हम शमशान घाट पहुंच चुके हैं, मैं आपको बता दिया, लिटरली मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई मेरे साथ नहीं है, अकेला आ रखा हूँ। अगर कोई भी अनहोनी मेरे साथ होती है, मैं आवाज़ भी मारूंगा, पूरा सन्नाटा है। सबसे पहले जैसे भूत प्रेत होते हैं, अगर वो किसी पर चढ़ जाते हैं तो निकलते नहीं, वो इतनी आसानी से, उसके लिए मंत्र मुंत्र करना पड़ता है। लेकिन थैंक गॉड मैं हनुमान चालीसा ला रखा हूँ अपने साथ, और मेरे साथ ये रुद्राक्ष माला है जो मेरे को सेफ रखेगी। और मेन खतरा क्या होता है गाइस, यहाँ पर अकेला सुनसान, अगर मेरे यहाँ पे 3-4 लोग आ गए मेरे को सामान चोरी करने के लिए, कुछ करने के लिए, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो अब अपना सेटअप रेडी करते हैं, लेट्स गो करते हैं। ये माला एक लिटरली एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं स्टैंड रख रहा हूँ। ये कपड़े होते हैं, जब भी कोई आदमी को शमशान घाट में उनकी वो करते हैं, तो उनके यहाँ पे कपड़े छोड़ दिए जाते हैं, उनकी सारी मेमोरीज यहाँ छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे जब पानी होगा तो यहाँ होगा, डूब चुकी होगी, लेकिन अब पानी उतर चुका है। बस लिटरली मैं किसी के मरे हुए इंसान के कपड़े के ऊपर ये रख रहा हूँ। भगवान जी मेरे को सेफ रखना, आपके हाथों में। अभी गाइस मैं सेटअप बनाने वाला था, लेकिन एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई, नदी के अंदर से जैसे बबल्स की आवाज़ आ रही है उस तरफ से, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि नदी के अंदर से बबल्स की आवाज़ तो आ नहीं सकती है, बबल्स की तभी आती है कोई फूत मारे, कोई चीज़ हो। मैं क्या वहाँ देखूँ या नहीं देखूँ, मैं देखना तो नहीं चाहता। चलो पहले सेटअप कर लेते हैं, फिर भगवान बचा ले। गाइस स्पिरिट कॉलिंग से पहले मैंने सोचा था मोमबत्तियाँ जलाऊँगा यहाँ पे, बट बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जलेंगे कैसे, तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। गाइस बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ है, पीछे से ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे कोई डंडा ठक 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 कर रहा है, लेकिन वहाँ तो नदी है। मेरे पूरे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी शरीर में, वहाँ पर पूरी नदी है, लेकिन पीछे ऐसा कोई ऐसे कर रहा है कि ठक 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 ठक। अब आ जाइए गाइस, फिर आई, मेरी हालत ख़राब हो रही है, मेरा मुंह धरा है, मैं मोमबत्ती जला रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को करना क्या चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए गाइस मैं करूँगा, घोस्ट को बुलाऊँगा, कहीं डंडे वाला घोस्ट आ गया जो डंडे की आवाज़ आ रही है। गाइस मोमबत्ती तो जल नहीं पा रही है। गाइस हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, ये सेफ्टी के लिए। खैर भूत से अगर आएगा भी मेरे आगे, मैं क्या ही कर पाऊँगा, लेकिन ये मेरी प्राइड और उत्तराखंड चैंपियन आर्म रेसलिंग, ऐसे इतनी जल्दी मैं नहीं मरूंगा भूत से। अब हमारी सोचने की बात है, हम किसकी स्पिरिट को बुला सकते हैं। गाइस पहले हम स्पिरिट का मंत्र लगा देते हैं जिससे स्पिरिट यहाँ पे आ जाए। गाइस आप ये देख सकते हैं, वीडियो टू समन अ घोस्ट विद, पता नहीं क्या है ये वीडियो है, घोस्ट को समन करने के लिए ऐसी आवाज़ें होंगी जिससे हमें स्पिरिट कॉल करने में आसानी होगी। देखते हैं किसकी स्पिरिट की मेरे को फील आए, लेकिन अगर मेरे को फीलिंग आएगी तो उसके बेसिस पे मैं किस स्पिरिट को कॉल कर सकता हूँ। लेट्स गो गाइस, मेरे को नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मैं प्ले नहीं कर सकता गाइस, मेरी हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, प्ले करके ऐसे लग रहा है कि सही में मेरे को भूत चिपट जाएगा। एक चीज़ कर सकता हूँ, हनुमान चालीसा अपने पास रख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जय बजरंग बली, मेरे को वैसे डर लगता नहीं है, मेरे को पता है, लेकिन जैसे ये साउंड प्ले करी
हनुमान चालीसा काम आएगी गाइस, हनुमान चालीसा। और गाइस उस ऑडियो से मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं आपको अपने हथियार के ऊपर रखूंगा। आप और मैं पूरी दुनिया के सारे भूतों से अकेले लड़ सकते हैं। जय श्री राम। कम ऑन गाइस, शिट, सॉरी हनुमान जी। गाइस मोमबत्ती तो जल नहीं पा रही है, तो हम ऐसी ऑडियो प्ले कर देते हैं और हम ट्राई करेंगे किसी स्पिरिट को कॉल करने की। अगर आपको ऑडियो नहीं आएगी तो मैं बैकग्राउंड से डाल दूंगा। रेडी गो। मेरे को एक स्पिरिट को बुलाना है, मरी हुई आत्माओं जो भी यहाँ पे हो, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो, अगर कोई भी स्पिरिट मेरी आवाज़ सुन पा रही है तो मेरे से कांटेक्ट करो। स्पिरिट्स, कोई भी मेरी आवाज़ सुन पा रही है तो मेरे मुंह में एक नाम दो जिसकी स्पिरिट बुलानी है। गाइस, मेरी दादी की डेथ हुई थी पिछले साल, यहीं पे उनकी अस्थियां बहाई थी मैंने। गाइस रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, उनकी अस्थियां बहाई थी। मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं क्या मैं उनसे कांटेक्ट बिठा सकता हूँ या नहीं बिठा सकता। मैं ओवर एक्ट नहीं कर रहा गाइस, मेरे अंदर अजीब सी एनर्जी फील हो रही है गाइस। दादी जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, कोई संदेश दो मेरे को। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो मेरे को कोई संदेश दो दादी। मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी बॉडी दिल में अजीब सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे लग रहा है कुछ अंदर घुस रहा है। शमशान घाट में रात को अकेले हूँ मैं यहाँ पे। गाइस सर भारी सा हो रहा है। अगर गाइस मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर लेना। मेरी मेरे को बहुत ही अजीब सी फील आ रही है और ऐसे मेरा सर भारी सा हो रहा है, साउंड से अजीब सा लग रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। गाइस बहुत अजीब हो रहा है, मेरे को साउंड पॉज करनी पड़ेगी। गाइस गाइस सर दर्द हो रहा है अजीब सा। गाइस मेरे को वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ बहुत तेज़ टकराई हो पानी में, लेकिन उस साइड से कैसे आवाज़ आ सकती है? एक ही रास्ता हो सकता है, वन जानवर और इंसान वहाँ होते नहीं है, दूसरा हो सकता है कोई स्पिरिट हो। गाइस मेरे सर में लिटरली बहुत तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया था, तो मेरे को इस वक्त रुकना पड़ा वहाँ पे। गाइस बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वाइब आ रही है, मतलब शमशान घाट में इतनी सारी एनर्जीज, इतनी सारी आत्माएँ एक साथ होती है, इतनी सारी बॉडीज चली होती है, पता नहीं उनके साथ क्या क्या घटित होता है, क्या क्या इच्छाएँ लेके मरी होती है, और वो सारी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे मैं रात को मैं घोस्ट को बुला रहा हूँ और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कुछ तो चमक रहा है गाइस, ये मेरी हालत ख़राब हो रही है, देखते हैं क्या चमक रहा है ये। ओह अच्छा, ये इसका वो है गाइस, ये जब लोग जलते हैं जो मैंने आपको बता ही दिया है, ये पूरी मालाएं हैं, आप देख सकते हैं नदी है यहाँ पे, अस्थियां भरते हैं। गाइस मैं नदी के जा पास ही जा रहा हूँ बट मेरी बस की नहीं हो रही। नदी से अगर किसी का हाथ है और मेरे को नदी में खींच के ले गया तो सन्नाटा हो जाएगा, हवा भी नहीं लगेगी, अगले दिन अखबार में खबर आएगी डूब के मर गया ये लड़का। लेकिन असली तो रीज़न ही होगा, भूत ने खींच लिया नदी में, तो मैं नदी के पास तो जा नहीं रहा। तो गाइस अब हम भयंकर चीज़ करते हैं, मैं आपको एक खतरनाक रियल स्टोरी बताता हूँ जो रियल में हुई थी शमशान घाट में, उसके लिए रेडी हो जाओ। रियल कहानी बताने वाला हूँ लेकिन मैं माइक कनेक्ट करके बताऊँगा, इस आवाज़ के लिए मैं बहुत बड़ा खतरा ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आ गया ना लोगों का और चोरी के इंटेंशन से, तो कुछ ना कुछ छुट जाएगा, क्योंकि मेरे को तो भागना पड़ेगा। मैं माइक सेटअप करके बहुत बड़ा खतरा ले रहा हूँ, लेट्स गो। गाइस मैंने बहुत बड़ा खतरा ले लिया, बैक इस साइड करके, पीछे से जो भी होगा मेरे को नहीं पता क्या होगा, भगवान के हाथों। लिटरली हाँ, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ, लोगों की लाशों के ऊपर बैठ के, अस्थियों के ऊपर बैठ के, उनके कपड़े के ऊपर बैठ के हज़ारों आत्मा यहाँ पे घूम रही है। उसके बावजूद भी अभी मैंने जो घोस्ट कॉल करी अपनी दादी के लिए, मेरा सर बहुत तेज़ी से दर्द होने लग गया था, मेरे को रोना आ रहा था, ऐसे लग रहा था कोई स्पिरिट मेरी बॉडी में एंटर करने जा रही है। कुछ करके मैंने अपने को कंट्रोल करा, अभी भी अजीब हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अब मैं आपको रियल स्टोरी बताने वाला हूँ गाइस। एक्चुअली में मेरे दोस्त था पार्थ नाम का,
उसके दादाजी की डेथ हुई थी पिछले साल। वास्ते अब हाने आया था अपने पेरेंट्स के साथ जब उसके दादाजी की डेथ हुई थी। वो अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था गाइस, लिटरली मतलब वो हर वक्त ही अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करता था। बहुत ज़्यादा कोई कोई कनेक्ट नहीं हो जाते अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जितना पेरेंट्स के साथ भी नहीं होते उससे ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो जाते हैं, सेम उसके साथ सीन था। तो बहुत ज़्यादा अटैच था अपने दादाजी से। तो जब उसने दादाजी को इसी नदी के पास बहा था थोड़ी आगे जाके उनकी अस्थियों को, तो उनसे इतना कनेक्टेड था कि वो वापस उन्हें याद करने के लिए हर रात को यहाँ आता था गाइस। हर रात को अपने दादाजी को याद करने के लिए आता था, बट उसे नहीं पता चला गाइस। पीछे अभी मैं बता गाइस, आवाज़ आ रही है पीछे से, अजीब सी आवाज़ आ रही है मेरे को गाइस, बहुत अजीब लगा। वो शमशान घाट आता था अपने दादाजी को याद करने के लिए हर शाम को, लेकिन वो जब दादाजी को याद करता था गाइस, उसके साथ एक बहुत बढ़िया अनहोनी हो गई। उसको दादाजी की आत्मा तो नहीं मिली, उसके ऊपर किसी और की आत्मा चिपक गई। मेंटल हो गया था वो 6 महीने गाइस, पागल रहा वो। मेरा दोस्त है 6 महीने पागल था गाइस, उसने सुसाइड भी ट्राई करा, पागल हो गया था गाइस। वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसके मुंह से झाग आता था बाहर, रात को चीखने लग जाता था और अजीब अजीब से बातें करने लग जाता था। तब तांत्रिक ने बताया उसके ऊपर बहुत अजीब प्रेत की आत्मा आ गई है। साइंस बोलेगी नकली है गाइस, लेकिन एक्चुअल में ये सब एग्जिस्ट करता है, आत्मा एग्जिस्ट करती है, एनर्जीज एग्जिस्ट करती है, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ गाइस। उसकी लिटरली मौत होने वाली थी, पार्थ की मरने वाला था वो, उस पर पता नहीं किसकी आत्मा चिपक गई थी। बट इन दी एंड एक तांत्रिक ने कुछ करके उस आत्मा से उसका पीछा छुड़ाया, और फॉर्चुनेटली गाइस पार्थ जिंदा है, हमारे साथ है। मैं उसे किसी दिन चैनल में इनवाइट करूँगा उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस पूछने के लिए गाइस। अब मेरे को ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा खतरा मोड़ तो लिया है, अब यहाँ से क्या हम बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि गाइस यहाँ की जो वॉक है ना ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी है शमशान घाट से बाहर निकलने की, और मेरी हो रही है हालत ख़राब। तो अब हमें सर्वाइव भी करना है गाइस, बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, कैसे निकलेंगे वो देखते हैं गाइस। लिटरली मम्मी कसम खा रहा हूँ, पता कैसी आवाज़ आई वहाँ से, ऐसी अभी भी आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी लेकिन मेरे को आ रही है ऐसी। अगर आ रही है तो मेरे को बताना, इस बहुत लिटरली अजीब हो रहा है। ऐसा सर्वाइव करके निकलना है गाइस, बहुत दूर जाना है हमें, वो देख रहे हो ना गाइस लाइट, हमें वहाँ तक पहुँचना है। इतना लंबा रास्ता है 1 किलोमीटर तक का, हमें जल्दी से निकलना होगा इस इलाके से, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है वहाँ से, बहुत वियर्ड आवाज़, ऐसी आवाज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड आवाज़ गाइस, जैसे पता नहीं कैसी सी आवाज़ है ये, बहुत लिटरली वियर्ड सी आवाज़ें आ रही है यहाँ से, अभी भी आ रही है गाइस, सुनो गाइस बहुत वियर्ड आवाज़ है, पता नहीं क्यों आ रही है, किस प्रेत की आवाज़ है, हमें लिटरली भागना ही पड़ेगा बस, यहाँ से ज़िंदा निकलें वही बड़ी बात है। इतना दूर जाना गाइस, बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बाहर पहुँच के आपको बताता हूँ गाइस। फिर से आई आवाज़, सुनो गाइस आई, कैसे पता हूँ मैं क्या करूँ ऐसी जगह पे, भागना पड़ेगा गाइस, भागो, उस पर पैर पूरा मुड़े गाइस, हम ऑलमोस्ट बाहर पहुँच गए, और वहाँ से एक आदमी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो आएगा नहीं गाइस। हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग वॉक करी, लिटरली बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वॉक, अब मेरे को थोड़ी सेफ्टी फील हो रही है। तो गाइस फाइनली सेफ जोन में पहुँच गए हैं हम, सर्वाइव करके, क्या ही बताओ एक्सपीरियंस, घर जाके आपको बताता हूँ जो जो हुआ। अब घर पहुँचते हैं, पहले तो ऐसे तो हम भूल गए हमारी चोट, खून आता रहा आता रहा आता रहा बढ़ते रहा, पूरा खून खून हो गया, इससे साबित होता है चलो स्पिरिट ने कुछ तो करा मेरा, क्या पता ये संदेश हो वहाँ पे मत जाओ। लेकिन हम फिर भी गए, आप सबके लिए वीडियो बनाई, खून अपने मुँह पर लगा दूंगा मैं, अब घर पहुँचते हैं।